दिल्ली ने हैदराबाद को 7 रन से हरा दिया। मुकेश ने आखिरी ओवर में 13 रन बचाए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है। आईपीएल 2023 के 34वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 144 रन बनाए। मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने 34-34 रन की पारी खेली। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 137 रन नहीं बना सकी। मयंक अग्रवाल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। वहीं हेनरिच क्लासे ने 19 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। हैदराबाद को आखिरी दो ओवर में 23 रन की जरूरत थी, तब वाशिंगटन सुंदर और हेनरिच ग्लासेन ग्रीज पर थे। 19वें ओवर में 10 रन बने और टीम ने क्लासेन का विकेट गवाया। इसके बाद आखिरी ओवर में हैदराबाद को 13 रन की जरूरत थी। गेंदबाजी के लिए मुकेश कुमार आए। स्ट्राइक पर वाशिंगटन सुंदर और मार्को यानसेन थे। पहली गेंद पर सुंदर ने 2 रन लिए, इसके बाद अगली गेंद डार्ट रही। तीसरी गेंद पर मुकेश ने 1 रन दिया, चौथी गेंद पर यानसेन ने भी 1 रन लिया, पांचवी गेंद पर मुकेश ने 1 रन दिया, वहीं आखिरी गेंद पर दिल्ली को 8 रन की जरूरत थी जो कि लगभग नामुमकिन था। मुकेश ने आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं दिया। इस तरह दिल्ली ने 7 रन से जीत दर्ज की। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस जीत के साथ दिल्ली के 7 मैचों में 2 जीत और 5 हार के साथ 4 अंक हो गए हैं। टीम अभी भी आखिरी यानी 10वें स्थान पर है। वही हैदराबाद ने भी 7 मैचों में से 2 जीते हैं, 5 में टीम को हार मिली है और अंक तालिका में 4 अंक के साथ टीम दिल्ली से ठीक ऊपर यानी 9वें स्थान पर है। हैदराबाद को 19वें ओवर में 126 रन के स्कोर पर छठा झटका लगा। नार्जे ने हेनरी क्लासेन को अमन खान के हाथों कैच कराया। वह 19 गेंदों में 31 रन बना सके। हैदराबाद को आखिरी 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत है। हैदराबाद ने 15 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 89 रन बनाए लिए हैं। टीम को 30 गेंदों में 56 रन की जरूरत है। फिलहाल हेनरी क्लासेन और वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर है। अक्षर ने कप्तान एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड किया, वह 3 रन बना सके।